हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोरेक्स पर अनबॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो के एक नए सीरीज के स्मार्टफोन की, तो वीवो V23 Pro। तो ये होने वाला है V21 5G का सक्सेसर। तो इस सीरीज़ में दो स्मार्टफोन होने वाले हैं, V23 और V23 Pro। तो आज हम बात करने वाले हैं V23 Pro की। तो उससे पहले बता दो कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते फ़ोन की तरफ। तो ये फ़ोन बताया जा रहा है कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है और ये 4 जनवरी के करीब का इंडिया के अंदर देखने मिलेगा। तो इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 6.5 इंच का एक एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले देखने मिल जाएगा और इसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा कि वीवो X60 सीरीज़ के अंदर देखने मिलेगा, तो कुछ वैसा ही होगा। तो अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। तो बैक पैनल बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जिसके अंदर आपको कलर चेंजिंग देखने मिले है कुछ ग्लास मटेरियल में। तो अब बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो वीवो V23 Pro के अंदर आपको एक मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो होगा 1200 एसोसिएट का प्रोसेसर, जो वीवो X70 सीरीज़ के अंदर आपको देखने मिल गया था, और ये गेमिंग प्रोसेसर है। तो अब बात करें इसके एंड्रॉयड सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 12 रन करने वाला है इसके अंदर, और इसके साथ में आपको 8GB रैम देखने मिल जाएगा, 128GB बेस वेरियंट। तो अब बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ। तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा, जो होगा 64MP मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5MP डेप्थ कैमरा। तो इसके अंदर एक अच्छी बात है कि 2MP का कोई माइक्रो एक्स्ट्रा सेंसर नहीं है, और इसके अंदर एक ड्यूअल फ्लैश देखने मिल जाएगा, और फ्रंट साइड में आपको 32MP का एक पंच होल कटआउट में एक कैमरा देखने मिल जाएगा, जो सेल्फी कैमरा होगा। और तो फाइनली बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 4320 mAh का एक बैटरी मिल जाता है, जो 44W से फास्ट चार्जर भी देखने मिलने वाला है इसके अंदर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।